हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो जिन भी कैंडिडेट्स को JCECB राउंड 1 के थ्रू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू मिला है एंड वो लोग एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो उनको मैं प्रोसेस बता देती हूँ। तो तुम लोग ये वेबसाइट देख सकते हो पलामू कॉलेज का, GECPalamu.org। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, सो दैट तुम लोग वेबसाइट के थ्रू बाकी डिटेल्स भी देख लो। तो इसके थ्रू मैं बस बेसिक चीज बता देती हूँ। एक तो वेबसाइट पता चल गया, 2022 में ही ये स्टार्ट हो रही है, तो तुम लोग सबसे पहले बैच होगे। एंड ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट चाहेगी ये जो न्यू कॉलेज है उसका इम्प्रूवमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे हो या फिर प्लेसमेंट के हिसाब से हो, तो गवर्नमेंट का इस पे ध्यान रहेगा। सो प्लेसमेंट की चिंता मत करो, 3 इयर्स या 4 इयर्स के बाद तुम लोगों का प्लेसमेंट सीजन आएगा, तब तक IT कंपनीज विजिट जरूर करेंगी एंड जो भी कंपनीज आना चाहेंगे वो आएंगे जरूर, क्योंकि ये पलामू कॉलेज न्यू है तो गवर्नमेंट इस पे ध्यान जरूर देगी। एंड अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तुम 3 फोटोज देख ही सकते हो, वेबसाइट में दिया हुआ है। सबसे पहला आई थिंक मेन बिल्डिंग का है, पूरा न्यू है तो तुम देख ही सकते हो। फिर हॉस्टल का ये वाला बिल्डिंग होगा, ये भी देख लो। एंड थर्ड वाला ये बिल्डिंग, ये भी कैंपस के अंदर का ही है। तो पूरा ब्रांड न्यू कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो अगर तुमको मिला है तो एडमिशन जरूर लेना चाहिए। और एक बात, ये वेबसाइट अभी अंडर प्रोसेस ही है तो सारा डिटेल्स तुमको नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ मिल जाएगा एडमिशन सेक्शन में। फीस स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है, फीस स्ट्रक्चर में अगर क्लिक करोगे तो ये वाला फीस स्ट्रक्चर तुमको दिख जाएगा कि फर्स्ट ईयर में कितना पे करना होगा तुमको। ये तुम यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट ईयर वालों को कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। जनरल BC1, BC2 और EWS के लिए है, फिर SC ST और गर्ल्स और TFW वालों के लिए है। तो तुम यहाँ स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो कि तुमको कितना लगेगा। तो जो जनरल वाले लोग हैं उनको 7550 लगेगा, फिर SC ST को भी 7550 एंड TFW और गर्ल्स वालों को भी 7550 लगेगा। एंड एक चीज, तुम लोग जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तो 1K पे करोगे ना, तो वो 1K यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 6550 तुमको पे करना होगा सारे कैटेगरी के बच्चों को। एंड उसके अलावा भी और एक पेमेंट है, ये वाला तुम देख सकते हो, ये है तुम्हारा एनुअल फी डिटेल्स। यहाँ पे जनरल BC1, BC2 और EWS को 7732 लगेगा और SC ST कैंडिडेट्स को 1957 और जितने भी गर्ल्स एंड TFW वाले हैं उनको 32 रुपीज लगेगा। तो आई थिंक ये BIT सिंदरी और पलामू का फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमको एडमिशन कब लेना है एंड एडमिशन के लिए तुमको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो तुम लोग ने होपफुली अपना अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया होगा, तो अगर तुम अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करोगे तो स्टेटस कुछ ऐसा दिखेगा, तुमको बस अपना डिटेल्स दिखेगा, फिर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ ये दिखेगा। लेकिन जब तक तुम 1000 पे नहीं करोगे तब तक तुमको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं होगा। अलॉटमेंट लेटर में और भी इसके अलावा डिटेल्स रहती हैं कि तुमको कब एडमिशन लेना है एंड एडमिशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है। तो जब तुम अलॉटमेंट लेटर 1K पे करके डाउनलोड करोगे तो तुमको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिख जाएगा। तो प्लीज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना अगर एडमिशन लेना चाहते हो राउंड 1 की सीट पे। तो मैंने किसी स्टूडेंट से सिर्फ स्क्रीनशॉट मांगा था कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के अलॉटमेंट लेटर में सेम डॉक्यूमेंट लिस्ट रहेगा। तो जो भी तुम्हारे अलॉटमेंट लेटर में डॉक्यूमेंट लिस्ट मेंशनड है उसको ले जाके तुमको 10th से लेके 15th अक्टूबर के बीच अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा अपने अलॉटेड कॉलेज में। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करो 1K पे करके एंड उसमें सारा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। तो 15th अक्टूबर से पहले प्लीज एडमिशन ले लेना एंड बाकी कोई भी डिटेल्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर लेना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।